डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ए वायरस इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मे डिसरप्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर मीन्स क्या हुआ कि ये वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के जो फंक्शनली होता है उसको कुछ मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो इट कैन स्लो डाउन द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर और मे समाइम्स इवेन लीड टू सिस्टम क्रेस क्या होता है कि इससे आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका जो वर्किंग करने का स्पीड होता है वो स्लो होने की संभावना होता है स्लो हो सकता है जिससे सिस्टम आपका क्रेस करने की संभावना भी रहती है इन ऑर्डर टू रिमूव सच डेंजरस प्रोग्राम्स एंटीवायरस प्रोग्राम्स नीड टू बी यूज इस डेंजरस प्रोग्राम को रिमूव करने के लिए डिलीट करने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम का ज़रूरत पड़ता है हमें एंड एंटी प्रोग्राम स्कैन योर डिस्क फॉर वायरसेज एंड रिमूव दैम एंटीवायरस प्रोग्राम जो है वो आपके डिस्क को वायरस से रिमूव करता है और इसको स्कैन करता है जिससे आपका सिस्टम फास्टली वर्क करता है फ्यू एग्ज़ाम्पल्स ऑफ एंटी सॉफ्टवेयर आर नॉटन क्विक हेल एवीजे एवीरा एंड एम सी ए फी जिसके बारे में आप सुने भी होगी नाम और आपकी कंप्यूटर सिस्टम में होगा भी ये सब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम है और यहाँ पे देखिए लोगों को दिखाया गया है यहाँ टू पॉइंट थ्री में फिगर टू पॉइंट थ्री में लोगोज़ ऑफ़ सम एंटी वायरस सॉफ्टवेयर का जैसे कि नॉर्टन का ये है आपका क्विक हिल का ये है एवीजी का ये ये कैसा सॉफ्टवेयर होता है ये कैसा प्रोग्राम होता है जो आपके इस कंप्यूटर सिस्टम में जो भी वायरसेज होता है जो अनवांटेड फाइल्स सब होता है उसको ये रिमूव करता है और आपका सिस्टम को स्लो होने से बचाता है इसे हमें यूज़ करना चाहिए ये एंटी वायरस सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है नेक्स्ट है आपका अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये अभी इससे पहले जो भी हम लोग पढ़े वो सारा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में आया था ये अब नेक्स्ट है अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि सॉफ्टवेयर का टाइप है एन अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ़ प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू हेल्प यूजर्स परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क मतलब ये एक ऐसा अपलिकेसन सॉफ्टवेयर मतलब अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि कुछ स्पेसिफिक वर्क जो स्पेशल वर्क परफॉर्म करने के लिए यूज़र को मदद मिलता है इस सॉफ्टवेयर से दे मे बी इंस्टॉल ऑन अ कंप्यूटर डिपेंडिंग अपॉन द यूज़र रिक्वायरमेंट और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे यूज़र के रिक्वायरमेंट के अनुसार जो यूज़र को जो सॉफ्टवेयर जो अप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है उसे वो अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करता है डिफरेंट अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर एवेलेबल टू सर्व डिफरेंट पर्पज बहुत सारे अलग अलग अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि जो अलग अलग तरह से एवेलेबल है द अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी फर्दर बी डिवाइडेड इं टू टू कैटेगरी फिर आगे अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया पहला है आपका जनरल पर्पज़ अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सेकेंड है स्पेसिफिक पर्पज़ अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये जनरल अप्ली पर्पज अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है जनरल पर्पज अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड कीपिंग इन माइंड द जनरल नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल मतलब बहुत सारे लोगों के ज़रूरत और रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको मतलब माइंड में रखते हुए ये अपलिक ये जनरल परपज अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया सम एग्ज़ाम्पल ऑफ सच सॉफ्टवेयर इस तरह के सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर देखिए पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ये क्या होता है This type of software is used for creating text based document such as letters, stories and report. ये जो word processing software होता है इसका use किया जाता है कोई भी text based अगर document बनाना है जैसे कि आप कोई letter type करते हो या कोई story आप type करना चाहते हो या कोई report तैयार करना चाहते हो तो इस तरह के work करने के लिए word processing software use किया जाता है All word processing software provide options. For creating, editing, formatting and printing text and graphics in a document. Document में ये जो word processing software है उसमें बहुत सारे options भी होता है जो कि creating के लिए कोई अगर नया document create करना हो, editing के लिए editing का मतलब होता है कि उसमें कुछ भी अगर change करना हो, formatting करना हो, कुछ designing करना हो या text को print करना हो, graphics मतलब ये सारा work करने के लिए word processing software में बहुत सारे options भी होते हैं. Examples of word processing software. देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है जिसका लोगो आप यहाँ फिगर टू पॉइंट फोर में देख रहे हो जैसे आपका वर्ड हो गया जिसमें आप लोग वर्क वर्क किए भी हो आप क्लास फोर में एम एस वर्ड में काम किए हो तो वो वर्ड जो है आपका ये जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाता है वर्ड परफेक्ट है इसी तरह ओपन ऑफिस ओ आर जी राइटर है ये सब आप पढ़ोगे आगे ये सब भी आपका जो है ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ही कहा जाता है सबको नेक्स्ट है जनरल पर्पज अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर देखिए स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर क्या होता है दिस सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट डाटा वैल्यू इन अ रो एंड कॉलम फॉर्मेट टू अलाउ यूजर्स टू मैनुफ्लेट कैलकुलेट एंड एनालाइज डाटा इन द डिजायर्ड मैनर कहने का मतलब हुआ कि ये जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है इस सॉफ्टवेयर में जो भी डाटा होता है जो भी वैल्यू होता है वो रो और कॉलम के फॉर्मेट में एक्सेप्ट होता है और उसमें आप उस डाटा को उस वैल्यू को मैन्यूपलेट कर सकते हैं कैलकुलेट का वर्क कर सकते हैं कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं एनालाइज़ कर सकते हैं डाटा को जैसे हो होगी आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का एक्सेल जो कि आप यूज़ किए हुए एक्सेल इसमें जो भी कैलकुलेशन से वर्ड होता था अगर अगर कोई भी अगर मार्क्स अगर मार्क्सट बनाना होता था तो इसमें हम लोग एक्सेल में यूज़ करते थे तो एक्सेल जो है आपका कैलकुलेशन वर्क रिलेटेड ही सॉफ्टवेयर है लोटस वन टू थ्री हो गया ओपन ऑफिस ओ आर जी कैल हो गया ये सब सारा जो है आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि फिगर टू पॉइंट फाइव में ये जो लोगो दिख रहा है ये सारा आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है नेक्स्ट है डी देखिए डी होता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या होता है डी बी एम एस इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट लेट यू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन एन ऑर्गेनाइज मैनर एक ऑर्गेनाइज मैनर में बहुत सारे डाटा को इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम मतलब बहुत सारा जो डाटा होगा उसको आप स्टोर करके एक ऑर्गेनाइज मैनर में रख सकते हो ए डी बी एम एस कैन स्टोर डिटेल अबाउट द कस्टमर्स एम्प्लाइज प्रोडक्ट्स एंड ऑन मतलब ये जो डी एम एस सॉफ्टवेयर होता है इसमें कोई भी कस्टमर के बारे में पूरा डिटेल कोई एम्प्लॉय के बारे में कोई डिटेल प्रोडक्ट्स के बारे में सारा एम्प्लॉय मतलब उसके डिटेल को हम रख सकते हैं जैसे कि कोई कस्टमर है उसका क्या नाम है उसका ई मेल आई डी क्या है उसका फ़ोन नंबर क्या है मतलब सारा डिटेल को हम एक ऑर्गेनाइज मैनर में ये डी एम एस सॉफ्टवेयर की मदद से हम मैंटेन करते हैं आगे पढ़ोगे ये डी वी एम एस के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एप्लीकेशन होता है ये सॉफ़्टवेयर होता है जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल बताया गया आपको डी वी एस डी वी एम एस सॉफ्टवेयर का ये Oracle, एक्सेस FoxPro एंड ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी बेस ये सब आगे आप लोग पढ़ोगे इस सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पे देखिए उसका लोगो दिखाया गया फिगर टू पॉइंट सिक्स में जिसमें एक्सिस टू थाउजेंड थर्टीन है औरल है ओपन ऑफिस ओ आर जी बेस है ये सब के बारे में तो हम लोग नेक्स्ट क्लास सब में पढ़ेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कि डी वी एम एस में डाटा को स्टोर करता है मैनेज करता है बहुत सारे डाटा को तो ये अभी हम लोग जो जो भी अप्लीकेशन जो भी सॉफ्टवेयर के बारे में देखें ये सारा जनरल पर्पस अपलिकेशन सॉफ्टवेयर था जो कि अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे और इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है ओके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे